सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला जो तीन तरीका के स्प्रो आप सीखने वाले हो, तो सबसे पहला है ये, देन उसके बाद है ये वाला स्प्रो, देन अपना फाइनल होने वाला है ये वाला स्प्रो। तो वीडियो को अभी पॉज करो और कमेंट में बताओ इन तीनों में आपको क्या डिफरेंस दिखा है, मैं कमेंट पढ़ने वाला हूँ। सो हे गाइस, कैसे हो? तो आज हम लोग सीखने वाले कैसे स्प्रो करते हैं और स्प्रो के सारे टाइप के बारे में जानने वाले जो मुझे पता है। ये वीडियो हर एक YouTube वीडियो से अलग होने वाला है क्योंकि मैं अभी तक किसी भी कंटेंट क्रिएटर का स्प्रो के ऊपर वीडियो नहीं देखा। तो मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको यूनिक लगे और इस वीडियो के बाद आप जो है स्प्रो सीख के जाओगे और आपको स्प्रो के बारे में सारे के सारे नॉलेज होगा, ये मेरी गारंटी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सो स्प्रो का टाइप नंबर वन है ये वाला स्प्रो जो कि मैंने सबसे पहला सीखा था, जिसपे कि आपको जब भी ब्लॉक और फ्लोर अलाइन हो तभी आपको जंप करना है, जॉयस्टिक को आगे तरफ करना है, फिर दोबारा ड्राइव करना है। ठीक है, तो स्प्रो इस पर आपको जंप टाइमिंग करना पड़ता है, जॉयस्टिक टाइमिंग करना पड़ता है। तो ये जो है वन ऑफ द हार्डेस्ट है, तो आप इसको मत ही सीखना अगर आपको अभी तक स्प्रो नहीं आता। अगर आप सोचते हो कि ये स्प्रो कैसे करते हैं तो मैंने आपको बता दिया, सीखने के लिए इसको सीख सकते हो वरना इग्नोर करना। तो इसके अभी मैं आपको डिसएडवांटेजेस भी बता देता हूँ, जो कि है जॉयस्टिक टाइमिंग आप नहीं कर पाओगे, और सेकंड डिसएडवांटेज जो कि हर चीज़ में होता है वो है ब्लॉक बॉडी, जो कि सारे स्प्रो में होती है। खैर छोड़ो, अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्प्रो के ऊपर जो कि है सबसे ईजिएस्ट स्प्रो, और मैं आपको बताऊंगा कि आप यही सीखो अगर आपको स्प्रो सीखना है। तो इसके लिए आपको जॉयस्टिक को आगे की तरफ होल्ड करके रखना है, जंप करना है, फिर ड्राइव करना है। जॉयस्टिक का झमेला यहाँ पे नहीं रहेगा, जैसे ही फ्लोर और ब्लॉक सेम लाइन पे आए आपका जॉयस्टिक आगे ही होना चाहिए। देन आपको करना है जंप, जंप के बाद आपको जॉयस्टिक आगे ही रहेगा। जैसे ही ब्लॉक आपके पैर के नीचे जाता है आपको करना है ड्राइव। तो इस पर आपको जंप टाइमिंग करने की उतना ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि आपके पास मोमेंटम पहले से ही होता है, इसीलिए आपको जंप टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं होता। तो आप ऐसे ही जंप करोगे, जॉयस्टिक आगे ही रहेगा, आप ड्राइव करोगे। ये जो वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्प्रो है, अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं आपको हाईली और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि आप अभी जाओ और इसको प्रैक्टिस करो और मुझे बताना कि आपने अपना पहला स्प्रो किया कि नहीं। मेरा गारंटी आप कर लोगे, बस सिंपल है, और इसको प्रैक्टिस करना है आपको ताकि ये आपके मसल एंड माइंड में बैठ जाए। चलो, ये तो हो गए दोनों स्प्रो। अभी जो है वन ऑफ द हार्डेस्ट स्प्रो हम लोग सीखने वाला, जिसको स्प्रो पहले से आता है और उसको कुछ स्टाइलिश करना है अपने गेम प्ले के लिए, तो वो ये वाला स्प्रो सीख सकता है। ये जो है गेम प्ले में बहुत ही अच्छा दिखता है और ये जो है वन ऑफ द हार्डेस्ट स्प्रो है। ठीक है, मोंटेजेस के लिए भी ये बहुत ही अच्छा स्प्रो है, तो इसी स्प्रो को मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो चलो सीखते हैं। तो इसके लिए भी सेम फंडा है, आपको जैसे ही फ्लोर और ब्लॉक मैच करे आपको तभी जॉयस्टिक को पीछे करना है, फिर जंप करना है। यहाँ पे आप जॉयस्टिक नहीं छोड़ते हो, ठीक है, उसके बाद आपको जॉयस्टिक को आगे करना होता है, फिर आपको ड्राइव करना होता है जैसे ब्लॉक आपके पैर के नीचे चला जाए। तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा माइंड एंड मसल कनेक्शन की ज़रूरत होता है, बट करते करते आप इजी हो ही जाओगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको थोड़ा रनिंग अप लेके पीछे आना है जंप करके, फिर जॉयस्टिक को आगे करके ड्राइव करना है, आप लोग देख सकते हो। तो इसी का भी एक और सेकेंड पार्ट है जो कि मैं आपको सिखाऊंगा, जो कि यह थोड़ा सा इससे ईजी है ताकि आप लोगों को वो सीखने में आसानी हो, उसके बाद आप लोग इस पे आ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली टच करता है, तो गाइस सपोर्ट करो प्लीज़ ताकि मैं नया फ़ोन ले सकूँ। खैर छोड़ो, हम यहाँ पे अपना दुख भरी दास्ता बताने नहीं आए, जैसा तो है। चलो, तो आपको मैं सिखाने वाला हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट। तो ये जो है होने वाला है टाइप टू, जहाँ पे आप पहले जंप करते हो उसके बाद जॉयस्टिक को पीछे करते हो। यहाँ पे आपको जॉयस्टिक पीछे करके रनिंग अप करने की ज़रूरत नहीं, जंप करो, जॉयस्टिक पीछे करो, फिर जॉयस्टिक आगे करो, फिर ड्राइव करो। इसको मतलब इसमें आपको पीछे की तरफ जंप टाइमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता, तो एक स्टेप आपके लिए यहाँ पे कम हो जाता है। ये जो है पहला वाला जो हमने स्प्रो सीखा था ना, उसका ही थोड़ा एडवांस वर्जन है, उसको और इसको मिक्सअप करके आप ये वाला सीख सकते हो अगर आपको पहले वाला स्प्रो बहुत अच्छे से आता है। देन आप ये सीखो, इसके बाद जो हार्डेस्ट स्प्रो मैंने आपको इससे पहले सिखाया आप वो वाला सीख सकते हो। मेरे ख्याल से मुझे जितना पता था मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है, इससे ज़्यादा तो खैर मुझे नहीं पता। खैर मुझे बताना कि वीडियो और स्प्रो की वीडियो से डिफरेंट बने या कि नहीं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना जिसको स्प्रो आता है, जिसको स्प्रो नहीं भी आता है उसको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय।